आपको बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में सक्सेस स्पीक्स में. एंड थैंक यू सर. एंड लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली कि आपने सेकेंड अटेम्प्ट में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में क्वालिफाई करके 411 रैंक प्राप्त किया है. एंड यू आर एक्सपेक्टिंग टू गेट इंडियन रेवेन्यू सर्विस, राइट? यस सर, यस, थैंक यू सर. तो सबसे पहले आपके बारे में लोगों को जानना जरूरी है क्योंकि आप झारखंड के रहने वाले हैं. झारखंड में से कहाँ से हैं, क्या बैकग्राउंड है, फैमिली कौन लोग हैं और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या, थोड़ा उसके बारे में बताइए. यस सर, मैं सौरभ सिंह हूँ, मैं रांची से हूँ. तो मैंने अपनी 10th और 12th की पढ़ाई रांची से ही कंप्लीट की है. 10th मैंने रामटल चौधरी हाई स्कूल से कंप्लीट की थी और 12th बीपीएस रांची से. उसके बाद मैंने बीटेक इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर किया हुआ है 2017 में. और उसके बाद से मैं कोल इंडिया लिमिटेड में एज असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ, अभी धनबाद में. तो सर ये मेरी हिस्ट्री रही है, तो सर यही से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो धनबाद में आप बेसिकली पोस्टेड रहे हैं. तो ये जब ऑलरेडी आपको एक जॉब मिल गया था, ऑलरेडी एक सर्विस में, नॉर्मली लोगों का दिमाग रहता है चलो अब जॉब में हो गए, सेटल हो गए, अब क्या करना है. तो ये सिविल सर्विसेज का आइडिया कैसे आया आपके? सर ये तो सर कॉलेज टाइम से स्टार्ट हुआ था कि मुझे देखना था. कॉलेज जब मैं खड़गपुर में गया तो वहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि आगे फ्यूचर में क्या करना है. तो मैं अपने सीनियर से मिला और भी मैंने कुछ यूपीएससी के ऑफिसर्स लोगों को भी देखा था. तो मैं थोड़ा रिसर्च किया कि मुझे आगे क्या सिलेक्ट करना है. तो मैंने आईएएस के बारे में पता किया कि आईएएस में क्या क्या फैसिलिटीज आगे अवेलेबल होंगी, ये ग्रास रूट लेवल में काम करने का मुझे मौका मिलेगा, इसमें जॉब रोल्स में डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, लीडरशिप स्किल्स काफी यंग एज में हमें शो करने का मौका मिलता है आईएएस में. तो मैं ये सब देख के मैंने डिसाइड किया था कि यूपीएससी के लिए ही जाना है. लेकिन साथ साथ पापा मेरे रिटायर कर रहे थे, मैं जब फाइनल ईयर में था 2017 में, तो उस समय जॉब सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए मैंने कोल इंडिया का जॉब ले लिया था. तो मेरे दिमाग में था कि मुझे यूपीएससी का तैयारी करना है, तो सर ये साथ साथ चल ही रहा था. फिर जब मैं धनबाद में आया तो यहाँ पे बस ऐसे ही, मुझे उस समय आइडिया नहीं था कि चाणक्य का सेंटर धनबाद में है. जब मैं यहाँ पे पहली बार पोस्टिंग हुई थी मेरी, तो हम लोग ऐसे ही फ्रेंड के साथ सर एक बार मूवी देखने के लिए आए हुए थे यहाँ पे, वो जो गैलेरिया मॉल जो ये चाणक्य के बगल में है. तो सर ऐसे ही मैं दिख गया कि चाणक्य कोचिंग यहाँ पे है. तो हम लोग फ्रेंड के साथ ही ऐसे इंक्वायरी करने के लिए आ गए सर कि यूपीएससी के बारे में थोड़ा यहाँ से पता लगा क्या होता है. तो फिर सर बात करके ठीक लगा, तो फिर हमने सोचा कि कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं सर. तो स्टार्टिंग तो यूपीएससी की जर्नी ऐसे ही थी सर मेरी. अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जॉब ज्वाइन कर लिए, दोस्तों के साथ फिल्म देखने गए और आपको साथ में फिल्म सिनेमा हॉल के आसपास नजर आ गया. चाणक्य एकेडमी धनबाद में भी एक ब्रांच है और वहां से आपने जर्नी शुरू कर ज्वाइन कर लिया. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. कौन से बैच में कब ज्वाइन किया था आपने वहां? सर मैंने 2017 का दिसंबर वाला बैच ज्वाइन किया था. अच्छा, दिसंबर में. और वहां से फिर आपकी जर्नी शुरू हुई. कंप्लीट कोर्स किया आपने, लगता है एक साल का कंप्लीट? यस सर, डेढ़ साल के अराउंड चला था. मैं 2019 का जो प्रीलिम्स दिया था तो उससे जस्ट एक महीने पहले तक मेरी यहाँ क्लासेस चली थी, अप्रैल 2019 तक. तो 2019 वाला एग्जाम भी आपने दिया लेकिन उसमें प्री नहीं हो पाया था. हाँ यस सर, प्री नहीं हो पाया था. नहीं ठीक है, लेकिन आप जर्नी का कितना कितना मार्क गैप रह गया था? प्लीज सर, मेरा पेपर वन सर क्लियर हुआ था, मैं सीसेट में क्लियर किया था सर. तो मैंने सीसेट को इग्नोर कर दिया था थोड़ा, तो उसका वहां पे दिखा सर. तो सौरव एक्चुअली क्या है कि बड़ा ये कंफ्यूजन रहता है सबसे पहले कि क्या हम जॉब के साथ भी तैयारी कर सकते हैं. आपने जॉब के साथ कोचिंग भी की, तैयारी भी की, दूसरे दो ही अटेम्प्ट के अंदर आप आज के दिन में आप ऑफिसर बन के बैठे हैं, राइट? तो इसके बारे में अपनी बात को, जर्नी को आपको थोड़ा शेयर करना है कि कैसे आगे बढ़े. तो सबसे पहले यदि हम आपसे यही पूछें कि आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में शुरुआत में आपने कैसे शुरू किया, स्ट्रेटजी वाइज कि क्या पढ़ना शुरू किया, कोचिंग में जाते थे कैसे टाइम को मैनेज करके अपनी शुरुआत करी, ये सब थोड़ा बताइए. सर मैं जॉब में था यहाँ पे 2017 जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, तो मैं ऑलरेडी जॉब में था. तो सर साथ साथ क्लासेस करना तो मुश्किल हो रहा था. तो वीकेंड बैचेस के बारे में पता चला था, मैं जब इंक्वायरी करने आया तो मैं सैटरडे संडे की यहाँ पे क्लासेस कर लूंगा ये मुझे पता चला. तो मैंने सैटरडे संडे वाले क्लासेस ज्वाइन कर ली. शेड्यूल भी काफी हेक्टिक होता था जॉब के बाद यहाँ पे क्लासेस करने आना. तो उस समय सर मेरा फोकस यही होता था कि जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे चल रही है कोचिंग में उसी सब्जेक्ट घर पे वापस पढ़ता था, रिवाइज करता था जो भी कोचिंग के नोट्स है प्लस जो भी एक बुक है. तो मैं ये दोनों को फॉलो करता था और साथ साथ जो भी नेक्स्ट डे क्लास में पढ़ाई होने वाली है मैं कोशिश करता था कि वो भी देख के आऊँ. तो मेरा बस सर बस इतना ही सिंपल सा प्लान था. मैं ज्यादा डिटेल में शुरुआती फेज में नहीं करता था कुछ भी, बस जो भी क्लासेस हो रही है उसे अच्छे से करके रिवाइज करके नेक्स्ट डे का जो भी पढ़ाई होगा वो मैं करके आता था सर क्लास में. नॉर्मली स्टूडेंट से ये उलझन रहता है कि क्या पढ़े क्या छोड़े. आपने अपने को बहुत डिफाइन रखा
कि कोचिंग जब ज्वाइन किया है तो मोस्ट ऑफ थिंग्स क्लास में कवर हो रहा है, तो पढ़ के आए रिवाइज करें। तो ऐसे स्टूडेंट जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इतना सारी चीजें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो भी हम लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, जैसे मैंने चाणक्य किया था कोचिंग, तो पहले तो खुद के कोचिंग पे भरोसा होना चाहिए कि यहाँ से भी पढ़ के मेरा हो सकता है। काफी बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि वो सही डिसीजन लिए है या नहीं। बहुत लोगों को कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी कंफ्यूजन होता है कि मैं सही जगह पढ़ रहा हूँ। तो जो भी आप डिसाइड कर लिए हैं उस पर आपको भरोसा होना चाहिए कि हमें जो भी पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स हमारे से काफी अच्छे हैं, जो भी टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो हमारे से काफी ज्यादा नॉलेजेबल है, तो उनसे जो सीख सकते हैं वो हमें सीखना चाहिए। तो जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो अच्छी चीजें ही पढ़ा रहे हैं, अगर उनको हम लोग अच्छे से कर ले। जैसे मैं क्लास नोट्स का भी अच्छे से प्रिपेयर करता था, मेरी कोशिश होती थी कि जो भी क्लास में सर डिस्कस कर रहे हैं उससे जितनी ज्यादा से ज्यादा बातें मैं लिख सकूं। तो पहले मेरा फोकस ये होता था, मैं वो अच्छे से करता था, कुछ डाउट होता था तो मैं सर से बाद में मिलकर वो पूछता भी था, या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी होती थी मैं वो करता था, तो ये करता था सर। फिर धीरे धीरे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना स्टार्ट किए, सिलेबस देखना स्टार्ट किया, तो उससे आइडिया लगने लगा था सर कि नोट्स में या बुक्स में क्या फोकस करना है क्या छोड़ना है। तो सर स्टार्टिंग फेजेस में यहीं से स्टार्ट हुई थी सर। हेलो ऑल, आई एम रिशिता गुप्ता। आई हैव सिक्योर्ड रैंक 18 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन द यूपीएससी सीएसई 2018। आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लासरूम कोचिंग ऑफ चाणक्य आईएएस एकेडमी सिचुएटेड एट ऑटम लेन्स इन मुखर्जी नगर। I extend my thanks to all the teachers and staff who have helped me through my entire journey. Thank you. देखो आपकी बात को explain करते student को समझा रहे हैं। Yes. तो मैंने पहले भी अपने कई interview में समझाता हूँ, आपने बहुत interesting चीज बात कही। पहले तो आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, पहले उसके पहले डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी कोचिंग आपको ज्वाइन करना है, और उसके बाद once you decide, डोंट गेट कन्फ्यूज, क्योंकि वहां आपको सारा टाइम बचाने के लिए वेल प्लान करके वर्षों का रिसर्च करके आपको दिया जाता है। जैसे आपने चाणक्य ज्वाइन किया, आपने फोकस किया, तो उसके क्लास को ठीक से अटेंड कीजिए, मटेरियल पढ़िए। दूसरी चीज जो आपने बहुत बाकी कैंडिडेट के जैसा भी फोकस किया कि सिलेबस एंड क्वेश्चन, इसको आप हमेशा ध्यान रखिए, ये आपको हमेशा सही रास्ते पे रखेगा, भटकने नहीं देगा, ठीक है ना। तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि स्टूडेंट जो है सब्जेक्ट का नाम सुनते छपके मोटी मोटी किताबें पढ़ने लग जाते हैं, तो आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिलेबस के साथ चलिए, और एक सही गाइडेंस के अंदर में आपने रिसोर्स को डिफाइन कर लीजिए कि इतना ही पढ़ना है। और एक रिसोर्स को 10 बार पढ़ना ज्यादा समझदारी ना कि 10 किताबों को एक एक बार पढ़ के कंफ्यूज होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सर्विस में रहे हैं तो उसे तो आपने ब्रॉडली बता दिया, लेकिन स्पेसिफिकली कि आपने कितने घंटे की पढ़ाई सेल्फ स्टडी करी, क्लास में क्या अटेंड किया, और जॉब के साथ कैसे मैनेज किया, उसको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में अलग से बताइए। सर मेरी क्लासेस जैसे सैटरडे को यहाँ पे 3-7 के अराउंड चलती थी, उसमें हाफ एन आवर या 1 आवर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता था, तो सैटरडे को 3-7, 7:30 होती थी, और संडे को अराउंड 9-6 होती थी। तो मैं इस क्लास में तो पूरी फोकस तरीके से क्लासेस करता था, ये पूरा टाइम पीरियड पूरे फोकस होकर क्लास करता था, जो भी नोट्स था वो मैं अच्छे से करता था, तो मेरा मेन फोकस यही होता था। इसके अलावा सर जॉब से मुश्किल होता था थोड़ा, तो जॉब मैं जिस दिन ड्यूटी कर रहा हूँ या तो इससे भी काफी दिक्कतें होती थी, तो साथ में कोशिश यही रहती थी कि 3-4 घंटे जो भी मेरे से निकल सकता है वीकडेज में, तो मैं उस टाइम पे ये बस जो कोचिंग के नोट्स है और इसके साथ में जो बुक्स है, और मैंने एक पेपर स्टार्ट कर दिया था सर, द हिंदू मैंने मंगाना स्टार्ट कर दिया था सुबह भी ईद पर दिन में, तो सर वहां से मैंने स्टार्ट किया, तो मैं साथ साथ ये करता था। गुड, बहुत अच्छी बात है। और एक है कि मोटिवेशन फैक्टर ड्राइविंग, चूंकि आपको भी ये जो सफर है, हालांकि बहुत लंबा नहीं है 2 साल, लेकिन फिर भी आपने 2017 दिसंबर से स्टार्ट करके अब सक्सेस पाया है, तो एक कहते हैं हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड ऑल थ्रू, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत स्टैंडर्ड का है। यस, अपने अनुभव से आप क्या कहना चाहेंगे, हाउ टू कीप यू मोटिवेटेड? तो सबसे पहले तो हमें अपना रीजन जानना होगा कि हम लोग ये तैयारी स्टार्ट क्यों की। तो सर मेरा था कि जैसे मैं वहां पे ये धनबाद में ही जॉब कर रहा था, तो मुझे सर ऐसा लगा कि इसमें फ्यूचर में सर मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, मुझे ऐसा लगा कि कुछ जॉब ऐसा होना चाहिए जिसमें मैं अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, दूसरों की खुशी देखूंगा तो मुझे भी खुशी फील होगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं, मुझे कुछ ऐसा जॉब देखना था। तो यूपीएससी में सर ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल मुझे दिख रही थी कि आईएएस वगैरह मिलता है तो मैं अच्छे से लोगों के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो सर मेन फोकस वही था कि मुझे कुछ अच्छा काम करना है। तो सर वो मुझे ये धनबाद में वो खुशी नहीं मिल पा रही थी, मुझे लगता था कि मैं फ्यूचर में 30-40 साल बिता भी लेता हूँ तो मैं सोसाइटी के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा,
तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि अच्छा काम किया जाए, तो उसके लिए सर यही मेरा मोटिवेशन था। तो मुझे हमेशा से था कि IAS बनना है और ISO क्रैक करना है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो सुबह अब ये सौरभ, आप जो तैयारी के दौरान में प्री और मेन से हालांकि आपने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन किया, दिस इज द करेक्ट स्ट्रेटजी ऑफ दैट टू डू इट, लेकिन यदि हम आपको प्रीलिम्स के बारे में कुछ पूछें कि प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर, जैसे ये गलती आपसे हुई कि आपने प्री पहले अटेम्प्ट में इसमें तो चेक किया, सी सेट को आपने नेगलेक्ट कर दिया, तो मिनिमम नंबर ही नहीं आ पाएंगे। तो इन सारे चीजों को ध्यान रखते हुए कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी में ध्यान रखना चाहिए कैंडिडेट को, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो जैसे हम लोगों को प्रीलिम्स में फिक्स है कि जैसे क्वालिटी है लक्ष्मीकांत का, तो उसमें अराउंड 15-17 क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में 10-15 क्वेश्चंस आएंगे। हिस्ट्री है, हिस्ट्री से 10-15 क्वेश्चंस आएंगे। तो जो भी ये सर स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट का लगभग सिलेबस और बुक्स फिक्स है कि इसी से क्वेश्चंस आएंगे। और जो करंट पार्ट है, करंट थोड़ा डायनेमिक है, हम लोग नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चंस करंट में पूछे जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि प्रीलिम्स के पेपर में जो भी स्टैटिक पार्ट से आने वाला है, जो भी लक्ष्मीकांत से आने वाला है, आर्ट एंड कल्चर से आने वाला है, मॉडर्न हिस्ट्री से आने वाला है, तो ऐसे क्वेश्चंस को गलत नहीं किया जाए। तो मेरा ये कहना है कि ज्यादा फोकस आपके स्टैटिक पार्ट पे होना चाहिए, जिनका सिलेबस चेंज नहीं होगा। इस साल भी सेम रहेगा, नेक्स्ट ईयर भी सेम रहेगा, तो इनको अच्छे से कर लेना है, 4-5 बार रिविजन करना है, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं कि उसको क्वेश्चंस यूपीएससी किस डायरेक्शन में पूछती है, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। उनके ऑप्शंस को एनालाइज करना है कि यूपीएससी ऑप्शंस कैसे बनाती है, वो ऑप्शंस देखने से समझ में आता है कि कुछ कुछ वो स्टेटमेंट्स बनाते हैं या कुछ रैंडम फैक्ट्स देते हैं जो कि मोस्टली गलत होता है। जब हम लोग आंसर की मैच करेंगे, समझ में आता है कि इस टाइप के जो भी फैक्ट्स यूपीएससी देती है, इन जनरल वो गलत देती है। तो ये सब हमें एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू। तो जब ये सब समझ में आ जाता है कौन कौन से टॉपिक्स पे यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है, ये सब मैं देख लिया, तो उसके अराउंड ही जब मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ तो उस एरियाज को मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। तो यही स्ट्रेटजी होती है। और साथ में सर एक करेंट अफेयर्स पेपर और एक मैगजीन, तो ये फॉलो कर लेंगे। और प्री से पहले टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ पे था तो चाणक्य का प्री वाला टेस्ट सीरीज मैंने लगभग कम्प्लीट दिया था, तो उसके बाद मेरा प्री पेपर वन क्लियर नहीं हुआ था। तो प्री का स्ट्रेटजी तो सर सिंपल था, तो वैसे मेरा हो गया था। एक एग्जामिनेशन स्किल्स की बात होती है, सारा पढ़ाई कर लिया लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाके गलती ना करें, कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, वो क्या रखना चाहिए आपके हिसाब से? सर उसके लिए तो सबसे पहले कि हम लोगों को खुद का ये इमोशनल इंटेलिजेंस बोला जाता है कि काफी ज्यादा प्रेशर हम लोगों को नहीं फील करना है। अगर हम लोग तैयारी अच्छे से की है तो हमारा होगा। तो ये सेल्फ बिलीव खुद में होना चाहिए, खुद पे तो पहले डाउट नहीं करना है कि हम लोग जो कर रहे थे या सही किया या गलत किए। तो जब वो खुद पे भरोसा रहता है तो एग्जाम से पहले या एग्जाम में आप प्रेशर फील नहीं करेंगे, आपको पता है कि आपने अच्छे से तैयारी की है। तो सर ये रहता है। और साथ साथ में आपकी जो भी स्ट्रेटजी होगी, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, आप जब टेस्ट सीरीज रेगुलरली देंगे तो उससे भी आपको आइडिया लगेगा। जैसे मैं 1-100 एक ही बार प्रीलिम्स में अटेम्प्ट कर लेता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो 3-4 इटरेशन में उसको कंप्लीट करते हैं, वो हाफ एन आवर में एक बार पूरा पेपर देख लेंगे, उनको समझ में आ जाता है कि कौन से पहले बनाने हैं कौन से बाद में बनाने हैं। तो ये अलग अलग अप्रोच होता है। तो स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से ये टेस्ट सीरीज के दौरान ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से बेस्ट सबसे ज्यादा मार्क्स ले पा रहे हैं। तो सर ये अप्रोच होना चाहिए पेपर्स नेगेटिव मार्किंग को ध्यान करते हुए जो अटेम्प्ट करने क्वेश्चन, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर जैसे कि मैं जितने भी टॉपर्स लोगों को जानता हूँ, तो मेजोरिटी लोगों का ऐसा मानना है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अराउंड 60-70 ही कीजिए और सब सही करने का कोशिश करिए, तो सर वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैक्सिमम लोगों का ऐसा मानना है कि 90+ अटेम्प्ट करिए। और 90+ में अगर आप 30 भी गलत करते हैं, 30 के अराउंड आपका मार्जिन हुआ, अगर उतना भी गलत होता है तो अराउंड 100 के आसपास मार्क्स आ रहा है। अगर 90 में 60 करेक्ट है, 30 रॉन्ग है, तो 100 आता है मार्क्स। तो अपना फोकस होना चाहिए कि इसके अराउंड करें, कि 60-30 का रेशियो मेंटेन करें। और जो नेगेटिव मार्किंग वाली है सर, इसमें तो पहले हम लोगों को जैसे एलिमिनेशन अप्रोच जाना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर पेपर्स और टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस से ही आती है। और आपका जितना भी अच्छा रिविजन है, उतना ज्यादा अच्छे से एलिमिनेट कर पाएंगे।
तो एलिमिनेशन करना है, कोशिश करना है कि जहाँ एक दो क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिए उसको तो अटेम्प्ट करना ही है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन भी हमें समझ में नहीं आ रहा है और अगर ऑप्शन भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या पूछ रहे हैं या क्या बता रहे हैं, तो वैसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। तो अराउंड 5-10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं होता है, तो वैसे छोड़ना है और मैक्सिमम कोशिश करना है कि हमें अटेम्प्ट करना है अगर कुछ भी उसके बारे में पता है, अपना जो भी नॉलेज है और रिविजन किया उसके एप्लीकेशन से। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी क्लियरिटी रखी है सारी बात पे। अच्छा, अब थोड़ी मेंस की बात करते हैं सौरभ। मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? यस। आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट डिफरेंट था और आपने ऑप्शनल डिफरेंट, ऐसे ही कुछ किया आपने? यस हाँ। तो आपने सब्जेक्ट क्या लिया? सर मेरा ऑप्शन सर एंथ्रोपोलॉजी है। अच्छा, क्या कोई बैकग्राउंड था एंथ्रोपोलॉजी का, ये कैसे लिया आपने सब्जेक्ट? सर मेरा बैकग्राउंड तो माइनिंग इंजीनियरिंग है लेकिन वो यूपीएससी के ऑप्शंस के लिस्ट में प्रेजेंट नहीं था, तो मुझे सर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना था, तो मैंने 2-4 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जो मैं आगे ले सकता हूँ। जैसे मैंने ज्योग्राफी को भी शॉर्ट डाउन किया था, फिर ये एंथ्रोपोलॉजी था, मैंने सोशियोलॉजी भी देखा। तो सर मैं हमेशा से ये झारखंड में ही रहा हूँ, तो यहाँ पूरा ये झारखंड ट्राइबल रीजन माना जाता है, तो सर एक क्यूरियोसिटी हमेशा से थी कि ट्राइब्स के बारे में जानने का मौका मिले और भी बेहतर तरीके से। एंथ्रोपोलॉजी का अराउंड 50% सिलेबस ट्राइब्स के बारे में है, तो मैंने देखा कि ये सिमिलर हो रहा है, मुझे ये सब थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है जानने का, ट्राइब्स कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनके लिए फ्यूचर में क्या किया जाए, तो ये एंथ्रोपोलॉजी का 50% सिलेबस दिख रहा था। फिर ह्यूमन इवोल्यूशन सर जो टॉपिक है हमारे पूरे पास्ट से लेकर अभी प्रेजेंट तक का ह्यूमन कैसे इन्वॉल्व किया है, तो वो भी मुझे जानने का इच्छा तो रहता ही था, तो ये भी इसमें दिखा। तो ऐसे कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखी सिलेबस में, तो मुझे लगा इसको पढ़ के मजा आएगा, तो फिर सर मैंने वो सिलेक्ट कर लिया एंथ्रोपोलॉजी। बहुत बढ़िया। तो एंथ्रोपोलॉजी, ऐसे जो स्टूडेंट जो पहली बार लेना चाहते हैं एंथ्रोपोलॉजी एज ए सब्जेक्ट चयन करने में, तो अपने तो अपनी बता दी कि इंटरेस्ट है आपका, अंडरस्टैंडिंग थी सब्जेक्ट का, उसके लिए कैसे क्या गाइड करेंगे कि उनको किस तरह की किताबें और क्या पढ़ने चाहिए? सर एंथ्रोपोलॉजी का तो ऐसे भी माना जाता है कि इसके सिलेबस लिमिटेड है और कम से कम टाइम में हो जाता है, ऐसा माना जाता है। जैसे अराउंड 3-4 महीने कोई अच्छे से पढ़ाई किया जाए तो सिलेबस एंथ्रोपोलॉजी का कंप्लीट हो सकता है। तो इनके कुछ बेसिक बुक्स हैं, कुछ कोचिंग के फेमस बुक्स हैं, तो वो सब अगर साथ साथ करें तो 3-4 महीने में किया जाता है। ओवरऑल मेंस का एक राइटिंग स्किल, क्योंकि जीएस में 4-4 पेपर है, टाइप अलग अलग है, ठीक है, और ऐसे में आपको बड़े एसेज भी लिखने होते हैं दो, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो ऐसे के लिए राइटिंग स्किल, जीएस की राइटिंग स्किल और ऑप्शनल की राइटिंग स्किल, ये तीन के बारे में आप अपनी इनसाइट बताइए। यस सर, मुझे भी शुरू में जैसे सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगता था कि मैं इससे, जैसे मैं इससे से स्टार्ट करूं तो मुझे पहले लगता था मैं 10-15 पेज तो कुछ भी लिख नहीं पाऊंगा, तो ये मुझे भी शुरुआत में डर था। तो मैंने तो अपने फ्रेंड से भी बात किया था कि मैं अगर आज 10 पेज में लिख के आता हूं तो मैं पार्टी देता, मेरा ऐसा था मेरे फ्रेंड से। मैं जब ये टेस्ट लिखने जा रहा था पहला ऐसे का, मैं काफी अंडर कॉन्फिडेंट था कि मैं 10 पेज तो किसी टॉपिक पे नहीं लिख पाऊंगा, तो मैंने फ्रेंड को बोला था कि मैं अगर 10 पेज भी आज फ्री कर देता हूँ तो हम लोग पार्टी करेंगे। तो मैं एग्जाम दे के आया तो मैंने 15-16 पेजेस उस दिन लिखे थे, तो मेरा पहले वो डर खत्म हो गया कि मैं ज्यादा नहीं लिख सकता हूँ। तो सर पहला कॉन्फिडेंस तो वहां से आना चाहिए कि आप लिख सकते हैं, बस हम लोगों का अंदर डर होता है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम उस काम को स्टार्ट करते हैं तो काम हो जाता है। तो सर इससे का ऐसा था, तो मैंने पहला वो लिखा, मार्क्स अराउंड ठीक ठाक ही आए थे, लेकिन उसके बाद से फीडबैक फिर मिलता था, फिर मैं टेस्ट लिखता था, तो ऐसे इससे का धीरे धीरे होता गया। फिर हाँ सर, मेंस वाले के लिए था कि काफी लोग घर पे ही प्रैक्टिस करते हैं आंसर राइटिंग डेली, वो 5-5 क्वेश्चंस लिखते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया था क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता था सर। तो मैं जो भी सिलेबस था मैं वो पढ़ता था, लेकिन मैंने मेंस के आंसर राइटिंग डायरेक्टली मैंने टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन किया था, सर मैंने टेस्ट सीरीज में ही आंसर लिखना पहली बार स्टार्ट किया, तो शुरुआत में नंबर कम आते थे, 60 में थे, 65 मेरा पहला स्कोर था जो मैंने ज्योग्राफी का एक टेस्ट लिखा था 6 टेस्ट, तो उसमें काफी फीडबैक मिले थे, मैं उसको धीरे धीरे इंप्रूव करता रहा, तो एंड में मेरे 100 के आसपास मार्क्स आने लगे थे, तो उससे धीरे धीरे मार्क्स बढ़ने से कॉन्फिडेंस भी आता है। तो लोगों को डरना नहीं है, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि सबको अंदर में डर होता है कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हम लोग टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं शुरुआती फेज में कम मार्क्स आएंगे, फिर उसके फीडबैक्स पे हम लोग काम करेंगे, फिर मार्क्स बढ़ेगा, तो धीरे धीरे जब मार्क्स बढ़ता दिखता है तो उससे भी कॉन्फिडेंस आता है, तो इससे धीरे धीरे सर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। बहुत अच्छी बात है मार्क्स का। इसमें एक बात पूछना चाहूंगा नंबर के बारे में आपके, जैसे ताकि ऑडियंस को पता चले, फिल्म में जिस साल क्वालिफाई किए आपका नंबर जीएस में कितने 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 नंबर आया उसमें? सर इस बार जो मेरा प्री क्लियर हुआ है इसमें सर 97 मार्क्स है, और सीसेट में सीसेट में क्वालिफाई, हां सीसेट में क्वालिफाई किया सर, 98 मार्क्स था इसमें सर। सीसेट में भी नहीं, नहीं सीसेट में सर 80 में था, इसमें 98 था। और क्या आपने इसको आपने संभाल लिया उसी तरह से मेंस के मार्क्स में? इससे में कितने नंबर आए आपके? इससे में सर मेरे 133 मार्क्स हैं, जो कि अच्छा मार्क्स है। 133 राइट? यस सर, यस। और जीएस फर्स्ट में? जीएस फर्स्ट में 101 है सर, ये भी अच्छे मार्क्स हैं। और जीएस टू?
GS 294 है सर। GS 380 है सर, इसमें थोड़ा कम आ गया था मेरा। और GS 4? GS 4 में 100 है सर। That is also good marks. And then ऑप्शनल में कितने नंबर आया? ऑप्शनल में सर दोनों पेपर में मेरा 118 आया हुआ है, तो ये थोड़ा कम मार्क्स है। 236 जो टोटल है, तो थोड़ा और अच्छे मार्क्स यहाँ पे आ सकते हैं, तो ये थोड़ा कम है मेरा। टोटल ओवरऑल मिला के मेंस के कितने नंबर आ गए आपके? ये सर अराउंड 744 है सर शायद टोटल मेंस के मार्क्स। और इंटरव्यू में कितने नंबर आए? इंटरव्यू में सर वो मेरा अच्छा गया था, तो उसमें 184 आया है, तो वो काफी अच्छा स्कोर है सर। वेरी गुड। तो ये मैं आपके ऑडियंस के लिए आपकी जानकारी बता दिया कि आप 411 जो रैंक लाए हैं, और आपको वैसे IPS मिल सकता था, लेकिन आपकी हाइट के कारण से आपको IRS मिलने जा रहा है। तो नेचुरली अभी आपकी मंजिलें बाकी हैं, अभी आगे भी अटेम्प्ट ले रहे हैं एग्जाम में। तो लेकिन ये मार्क्स समझने वाली बात है कि कैसे बनता है, ये कैंडिडेट्स को क्यूरियोसिटी होगी तो जान पाएंगे। अब थोड़े से इंटरव्यू की बात करते हैं सौरभ। इंटरव्यू में आपके नंबर अच्छे नंबर आए, तो आपने कैसे तैयारी की, क्या किया आपने? सर इंटरव्यू के लिए सबसे बेसिक जो होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है हमारा, जो फ्री के बाद और मेंस के बाद क्लियर होने के बाद हम लोग फिल करते हैं। उसमें हमारा सारा डिटेल्स होता है, बर्थ से लेके अभी तक का, कि हम हमारा बर्थ प्लेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, मैंने स्कूलिंग कहाँ से किया था, 10th 12th BTech कहाँ से कम्प्लीट किया था, ऑप्शनल क्या सब्जेक्ट है, तो ऐसे सारे डिटेल्स उसमें मेंशन होते हैं हमारे। उसमें हॉबीज में पूछा जाता है, आप हॉबीज क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपने कुछ मेडल्स जीते हैं, कुछ इवेंट्स में पार्ट लिया है, तो ये सारा कुछ डिटेल्ड डेफ में मेंशन होता है। इसके साथ साथ आप कौन से स्टेट के हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, तो इसके अराउंड ही हमें प्रिपरेशन करना होता है। तो सर इसके अराउंड क्वेश्चंस मैंने देख लिए थे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे टॉपर्स के ट्रांसक्रिप्ट भी आते हैं, जो अभी है या पिछले साल के जो टॉपर्स का रियल में इंटरव्यू हुआ है, तो इसके ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल होते हैं। तो आपको ट्रांसक्रिप्ट देखना है कि आपसे सिमिलर बैकग्राउंड वालों का इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप वैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे कि जैसे मेरा क्रिकेट हॉबी है तो क्रिकेट से किस टाइप के सवाल पूछते हैं, अगर किसी का झारखंड स्टेट है तो झारखंड से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे झारखंड में ट्राइबल्स फेमस है तो ट्राइब्स के बारे में आपसे बात होगी, इसके हाई चांसेस है। सबसे ज्यादा नक्सलिज्म झारखंड में है, अभी अराउंड 16 डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो ये पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट झारखंड ही है जिसमें नक्सलिज्म का इशू है, तो नक्सलिज्म वाला मैटर कॉमन है जो रिपीट होता है। फिर सर ये बिहार से सेपरेट हुआ था 2000, तो बिहार से सेपरेट होने के बाद झारखंड का क्या स्टेटस है, इस टाइप की चीजें कॉमन है जो रिपीट होती है, तो ऐसे ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हम लोगों को प्रिडिक्ट करके उसका प्रिपरेशन करना होता है। तो ये पूरे डेफ मैंने जितना बताया सारे के इसके अराउंड प्रिपरेशन करके फिर प्रैक्टिस करना होता है मॉक इंटरव्यूज का। तो मैंने काफी कोचिंग के मॉक इंटरव्यूज दिए थे, उसमें मेरा लास्ट चाणक्या में मॉक इंटरव्यू था, तो मुझे सबसे लास्ट इंटरव्यू मेरा चाणक्या वाला हुआ था, तो उसमें भी मुझे काफी अच्छे फीडबैक मिले थे, तो उससे कॉन्फिडेंस आया कि मैं रियल वाले में भी अच्छा कर सकता हूँ सर, तो रियल वाला भी अच्छा गया था, तो मार्क्स भी अच्छे आए सर इंटरव्यू। तो चाणक्या के मॉक इंटरव्यू में आपको क्या बेनिफिट मिला, कैसे किया उसमें? सर चाणक्या में बेसिक जो मैंने डेफ वाला बताया सर, उसी के अराउंड क्वेश्चंस पूछा गया था, तो मैं उसका आंसर ठीक ठीक दे पा रहा था। उसके बाद में एंड में फीडबैक दिया गया कि आप यहाँ पे आपने मिस्टेक किए थे या यहाँ पे आप और बेटर कर सकते हैं, तो सर ओवरऑल गाइडेंस भी और फीडबैक मिला, वो लोग मोटिवेट भी किए कि आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा है, बस इसको कंटिन्यू रखिएगा, मार्क्स अच्छे आएंगे, तो इस तरीके का मोटिवेशन भी दिया गया एंड में, तो उससे फायदा हुआ सर, काफी फायदा हुआ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मॉक इंटरव्यू का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। Yes. अब आपसे सर हम जानना चाहेंगे ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस से कि आप जो अभी तो आप एग्जाम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव लेंगे, दोबारा एग्जाम आप देंगे सिविल सर्विस का, लेकिन अपने अनुभव से आप स्टूडेंट को कुछ पॉइंट फॉर्म में 3 top 3 points में क्या समझाना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए कैंडिडेट्स? सबसे पहले तो सर मैं तो ये मोटिवेशन वाले फैक्टर पे ज्यादा बात करूंगा कि आपका जो भी कारण है वो क्लियर होना चाहिए कि आप किस लिए ये तैयारी में आना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे होगा कि जब आप लगातार पढ़ाई करेंगे तो 4-5 दिन पढ़ने के बाद आपको लगे बीच में ऐसा फीलिंग आता है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ऐसे फीलिंग्स ना आए उसके लिए आपका जो भी रीजन है वो स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। ये रीजन आपको कंटिन्यू कराएगा आपकी पढ़ाई, जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे तो आपके रीजन काफी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि ये रीजन आपको कंटिन्यू कराएगा, आपको डेली सुबह उठना है और उतनी एनर्जी लेवल से उठना है कि आज फिर से मुझे पढ़ना है, तो ये कंटिन्यू होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी काफी इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे नहीं कि 4 दिन पढ़ाई की है फिर 3 दिन छोड़ दिए बीच में पढ़ाई, तो कंसिस्टेंसी काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में सेल्फ बिलीव खुद पे होना चाहिए, आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी नोट्स हैं, टीचर्स हैं, या आपका जो भी प्रिपरेशन है ये सही डायरेक्शन में हो रहा है, ये सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस खुद में होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ इससे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो कुछ लोग इसी में डाउट करते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही है या नहीं, तो ऐसा डाउट खुद पे तो नहीं आना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, साथ में परसिवरेंस भी चाहिए। कभी कभी एग्जाम अच्छे अच्छे लोगों का भी 3-4 साल लग जाता है, 5 साल लग जाता है, जैसे इस साल की 9th rank है, उनका डायरेक्टली 9th rank आया, लेकिन ये पिछले 2 साल से पूरी नहीं क्लियर कर पा रही थी, लेकिन उनको सेल्फ बिलीव था कि उनसे हो पाएगा,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दो बार प्री फेल करते हैं तो मे बी नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं देते, लेकिन इन्होंने दिया, फिर इनका रैंक 9th रैंक आया। इसी तरीके से पिछले साल के 6th रैंक है, उनका भी दो बार प्री नहीं निकला था। तो समय इसमें लगता है, एग्जाम तो इसमें पेशेंस रखना है कि समय लग सकता है, 3 से 4 साल लग सकता है। तो लोगों को डिमोटिवेट फील नहीं होना, बस अपने पे कॉन्फिडेंस रखे, फोकस रखे और पढ़ाई करते रहे। तो आपका फोकस भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आपके लाइफ में परेशानियां सबके लाइफ में आती है, सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उस परेशानियों के बीच में भी आपका फोकस यूपीएससी से हटना नहीं चाहिए। आपको 3-4 आवर्स 5 आवर्स इसके लिए भी देने हैं, तो साथ साथ में ये करते रहेंगे, खुद पे भरोसा रखेंगे तो सर हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, आपने पूरी ईमानदारी से क्लैरिटी के साथ लोगों को समझाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी बातों को सुनकर अब कनेक्ट करेंगे आपसे और अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में उनको हेल्प मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी, वेरी वेरी थैंक यू सर। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.